ध्यान। मैं श्याम मेघ के समान अभिराम आभा वाले साक्षी स्वरूप बाल मुकुंद का भजन करता हूँ, जो अत्यंत सुंदर हैं तथा जिनके मुखार विंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म ये कई कई दिनों तक उन परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर भी ध्यान के द्वारा उन्हें अपने वश में नहीं कर पाते हैं। मनु, मनुष्य गण तथा सिद्धों के समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते हैं। योगीश्वरों के चिंतन में भी उनका आना संभव नहीं हो पाता है। वे सभी बातों में सबसे बढ़कर हैं, उनकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पुष्प चढ़ावें और समस्त उपचारों को क्रमशः अर्पित करके व्रती पुरुष व्रत का पालन करे। अब प्रत्येक उपचार का क्रमशः मंत्र सुनो। आसन। हरे, उत्तम रत्नों एवं मणियों द्वारा निर्मित संपूर्ण शोभा से संपन्न तथा विचित्र बेल बूटों से चित्रित यह सुंदर आसन सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। वसन। श्री कृष्ण, यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वस्त्र अग्नि में तपाकर शुद्ध किया गया है। इसमें तपे हुए सुवर्ण के तार जड़े गए हैं, आप इसे स्वीकार करें। पाद्य। गोविंद, आपके चरणों को पखारने के लिए सोने के पात्र में रखा हुआ यह जल परम पवित्र और निर्मल है। इसमें सुंदर पुष्प डाले गए हैं, आप इस पाद्य को ग्रहण करें। मधुपर्क या पंचामृत। भगवन, मधु, घी, दही, दूध और शक्कर, इन सबको मिलाकर तैयार किया गया मधुपर्क या पंचामृत सुवर्ण के पात्र में रखा गया है, इसे आपकी सेवा में निवेदन करना है। आप स्नान के लिए इसका उपयोग करें। अर्घ्य। हरे, दूर्वा अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ जल से युक्त यह अर्घ्य सेवा में समर्पित है। इसमें चंदन, अगुरु और कस्तूरी का भी मेल है, आप इसे ग्रहण करें। आचमनीय। परमेश्वर, सुगंधित वस्तु से वासित यह शुद्ध, सुस्वादु एवं स्वच्छ जल आचमन के योग्य है, आप इसे ग्रहण करें। स्नाननीय। श्री कृष्ण, सुगंधित द्रव्य से युक्त एवं सुवासित विष्णु तेल तथा आमले का चूर्ण स्नानोपयोगी द्रव्य के रूप में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। शैया। श्री हरे, उत्तम रत्न एवं मणियों के सार भाग से रचित अत्यंत मनोहर तथा सूक्ष्म वस्त्र से आच्छादित यह शैया सेवा में समर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। गंध। गोविंद, विभिन्न वृक्षों के चूर्ण से युक्त नाना प्रकार के वृक्षों की जड़ों के द्रव से पूर्ण तथा कस्तूरी रस से मिश्रित यह गंध सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। पुष्प। परमेश्वर, वृक्षों के सुगंधित तथा संपूर्ण देवताओं को अत्यंत प्रिय लगने वाले पुष्प आपकी सेवा में अर्पित हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। नैवेद्य। गोविंद, शर्करा, स्वस्तिक नाम वाली मिठाई तथा अन्य मीठे पदार्थों से युक्त यह नैवेद्य सेवा में समर्पित है। यह सुंदर पके फलों से संयुक्त है, आप इसे स्वीकार करें। हरे, शक्कर मिलाया हुआ ठंडा और स्वादिष्ट दूध, सुंदर पकवान, लड्डू, मोदक, घी मिलाई हुई खीर, गुड़, मधु, ताजा दही और तक्र, यह सब सामग्री नैवेद्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसे आरोगें। तांबूल। परमेश्वर, यह भोगों का सारभूत तांबूल कर्पूर आदि से युक्त है, मैंने भक्ति भाव से मुख शुद्धि के लिए निवेदन किया है, आप कृपा पूर्वक इसे ग्रहण करें। अनुलेपन। परमेश्वर, चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से संयुक्त सुंदर अबीर चूर्ण अनुलेपन के रूप में प्रस्तुत है,
कृपया ग्रहण कीजिए। धूप, हरे विभिन्न वृक्षों के उत्कृष्ट गोंद तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के संयोग से बना हुआ यह धूप अग्नि का साहचर्य पाकर संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। आप इसे स्वीकार करें। दीप, गोविंद अत्यंत प्रकाशमान एवं उत्तम प्रभा का प्रसार करने वाला यह सुंदर दीप घोर अंधकार के नाश का एकमात्र हेतु है। आप इसे ग्रहण करें। जलपान, हरे कर्पूर आदि से सुवासित यह पवित्र और निर्मल जल संपूर्ण जीवों का जीवन है। आप पीने के लिए इसे ग्रहण करें। आभूषण, गोविंद नाना प्रकार के फूलों से युक्त तथा महीन डोरे में गुथा हुआ यह हार शरीर के लिए श्रेष्ठ आभूषण है। इसे स्वीकार कीजिए। पूजोपयोगी दातव्य द्रव्यों का दान करके व्रत के स्थान में रखा हुआ द्रव्य श्री हरि को ही समर्पित कर देना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहें, परमेश्वर वृक्षों के बीज स्वरूप ये स्वादिष्ट और सुंदर फल वंश की वृद्धि करने वाले हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आवाहित देवताओं में से प्रत्येक का व्रती पुरुष पूजन करें। पूजन के पश्चात भक्ति भाव से उन सबको तीन तीन बार पुष्पांजलि दे। सुनंद, नंद और कुमुद आदि गोप, गोपी, राधिका, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दिक्पाल, ग्रह, शेषनाग, सुदर्शन चक्र तथा श्रेष्ठ पार्षदगण इन सबका पूजन करके समस्त देवताओं को पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करें। तदनंतर ब्राह्मणों को नैवेद्य देकर दक्षिणा दे तथा जन्माध्याय में बताई गई कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। उस समय व्रती पुरुष रात में कुशासन पर बैठकर जागता रहे। प्रातः काल नित्य कर्म संपन्न करके श्री हरि का सानंद पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नामों का कीर्तन करें। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण देव व्रत काल की सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था क्या है, यह बताइए। साथ ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिता का विचार करके यह भी बताने की कृपा कीजिए कि व्रत में उपवास एवं जागरण करने से क्या फल मिलता है, अथवा उसमें भोजन कर लिया जाए तो कौन सा पाप लगता है। भगवान नारायण ने कहा, यदि आधी रात के समय अष्टमी तिथि का एक चौथाई अंश भी दृष्टि गोचर होता हो तो वही व्रत का मुख्य काल है। उसी में साक्षात श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया है, वही जय और पुण्य प्रदान करती है, इसलिए जयंती कही गई है। उसमें उपवास व्रत करके विद्वान पुरुष जागरण करे। यह समय सबका अपवाद मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा वेद वेताओं का कथन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था। जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तमी विधा अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी सप्तमी विधा अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान देवकी नंदन अविध तिथि एवं नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे। यह विशिष्ट मंगलमय क्षण वेदों और वेदांगों के लिए भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारणा करनी चाहिए। तिथि के अंत में श्री हरि का स्मरण तथा देवताओं का पूजन करके की हुई पारणा पवित्र मानी गई है। वह मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। संपूर्ण उपवास व्रतों में दिन को ही पारणा करने का विधान है। वह उपवास व्रत का अंगभूत अभीष्ट फलदायक तथा शुद्धि का कारण है। पारणा न करने पर फल में कमी आती है। रोहिणी व्रत के सिवा दूसरे किसी व्रत में रात को पारणा नहीं करनी चाहिए।
महारात्रि को छोड़कर दूसरी रात्रि में पारणा की जा सकती है। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करके पूर्वाहन काल में पारणा उत्तम मानी गई है। रोहिणी व्रत सबको सम्मत है, उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यदि बुध अथवा सोमवार से युक्त जयंती मिल जाए तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भ में वास नहीं करता है। यदि उदय काल में किंचन मात्र कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात में नवमी हो तथा बुध सोम एवं रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रत का समय है। सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले या न मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो संपत्ति से रहित भक्त मनुष्य है वे व्रत संबंधी उत्सव के बिना भी यदि केवल उपवास मात्र कर ले तो भगवान माधव उन पर उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से भांति भांति के उपचार चढ़ाने तथा रात में जागरण करने से दैत्य शत्रु श्री हरि जयंती व्रत का फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी व्रत के उत्सव में धन का उपयोग करने में कंजूसी नहीं करता उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो कंजूसी करता है वह उसके अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी में पारणा न करे, अन्यथा वह पारणा पूर्वकृत पुण्यों को तथा उपवास से प्राप्त होने वाले फल को भी नष्ट कर देती है। तिथि 8 गुने फल का नाश करती है और नक्षत्र 4 गुने फल का। अतः प्रयत्न पूर्वक तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करें। यदि महानिशा प्राप्त होने पर तिथि और नक्षत्र का अंत होता हो तो व्रती पुरुष को तीसरे दिन पारणा करनी चाहिए। आदि और अंत के 4-4 दंड को छोड़कर बीच की 3 पहर वाली रात्रि को त्रियामा रजनी कहते हैं। उस रजनी के आदि और अंत में 2 संध्याएं होती हैं, जिनमें से एक को दिन आदि या प्रातः संध्या कहते हैं और दूसरी को दिनांत या सायं संध्या। शुद्धा जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य 100 जन्मों के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्धा जन्माष्टमी में केवल उपवास मात्र करके रह जाता है, व्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाले नराधम घोर पापों और उनके भयानक फलों के भागी होते हैं। जो उपवास करने में असमर्थ हो वह एक ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा उतना धन दे दे जितने से वह 2 बार भोजन कर ले अथवा प्राणायाम मंत्र पूर्वक 1000 गायत्री का जप करे। मनुष्य उस व्रत में 12000 मंत्रों का यथार्थ रूप से जप करे तो और उत्तम है। वत्स नारद, मैंने धर्मदेव के मुख से जो कुछ सुना था वह सब तुम्हें कह सुनाया। व्रत उपवास और पूजा का जो कुछ विधान है और उसके न करने पर जो कुछ दोष होता है वह सब यहाँ बता दिया गया है। श्री कृष्ण की अनिवर्चनीय महिमा, धरा और द्रोण की तपस्या, अदिति और कद्रु का पारस्परिक शाप से देवकी तथा रोहिणी के रूप में भूथल पर जन्म, हलधर और श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। नारद जी ने पूछा, भगवान गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने ग्रह को प्रस्थान किया तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया? श्रीहरि ने वहां रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? प्रभु आप उनकी बाल क्रीड़ा का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वाह उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभु उस समय भूतल पर वृंदावन स्वरूप कैसा था? उनका रास मंडल कैसा था? ये सब बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्रीहरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था?
श्रीहरि का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषता कवि के मुख से श्रीहरि चरित्रमय काव्य पद पद पर नूतन प्रतीत होता है। आप अपने रासमंडल की क्रीड़ा का स्वयं ही वर्णन कीजिए। काव्य में परोक्ष वस्तु का वर्णन होता है, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का वर्णन हो उसे उत्तम कहा गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगिंद्रु के गुरु के भी गुरु हैं। जो जिसका अंश होता है वह उस अंशी के सुख से सुखी होता है। प्रभु, आपने ही ये वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्रीहरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, अतः उनके समान ही महान हैं। इसलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई हैं, अतः आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर तथा कार्तिकेय, ये 9 कृष्ण के ही अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न ही वेद जानते हैं। फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं, शुकर, वामन, कल्कि, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, ये भी कृष्ण के ही अंश हैं। तथा अन्य कितने अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। नरसिंह, राम तथा श्वेत द्वीप के स्वामी विराट विष्णु पूर्ण अंश संपन्न हैं। श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा हैं। वे स्वयं ही वैकुंठ और गोकुल में निवास करते हैं। वैकुंठ में वे कमलाकांत कहे गए हैं और रूप भेद से चतुर्भुज हैं। गोलोक और गोकुल में ये द्विभुज श्री कृष्ण स्वयं ही राधाकांत कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के तेज को सदा ही अपने चित्त में धारण करते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तजोमय चरणारविंद का चिंतन करते हैं। भला तेजस्वी के बिना तेज कहाँ रह सकता है। ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्रीहरि का मुख देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रु ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। मुने, उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्ष तक वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण हो गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्रीहरि का दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय है। ये सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए। भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद के चरित्र तुमसे मैंने कह दिए। अब देवताओं के लिए परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त भंडारों से सुसज्जित हो अपने पतिदेव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत शोभ हुआ और उन्होंने कद्रु को शाप दे दिया कि वे स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हो। इस बात को सुनकर कद्रु भी अदिति को शाप दिए कि ये जरायुक्त होकर मृत्यु लोक में मानव योनि में जाए। इस प्रकार दोनों ही शापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्यु लोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। तदनंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। मुने, ये सारा गोपनीय रहस्य बताया गया है। अब अनंत, अप्रमेय तथा सहस्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा करने के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के सातवें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था।
उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गईं। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान गौर थी। वो बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वो ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्गलोक में दुदुम्भी, आनक और मूरज आदि दिव्य वाद्य बज उठे। आनंद मग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से उल्लसित हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। धाय ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस पराये पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नतापूर्वक धन दान दिया। नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर एवं तेल प्रदान किए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही और रोहिणी जी के चरित्र को सुनाया है। अब तुम्हें जो अभिष्ट है वो नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग है, वो सुनो। वो सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वो समस्त अशुभों का विनाशक तथा श्रीहरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घर को लौट आए। ये प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा ने देखा उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वो नग्न बालक बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीन लेते थे। वो कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूली के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्रीहरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आईं। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती थी। उनमें से कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की, फिर प्रसन्नचित हो वहां परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और बंदीजनों को धन दान दिया। तत्पश्चात नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया तथा उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। मुने, तिलों के 7 पर्वत, सुवर्ण के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वोत्तम राशि, वस्त्र, सहस्त्रों मनोरम गौवें, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेग वाले घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया, एकमात्र मंगलमय हरि के नाम का कीर्तन कराया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ ले मुस्कुराती हुई नंद भवन में आईं। नंद राय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए। रत्नमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आईं। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्त्रों गौवें सादर आमंत्रित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तकें लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा।
इस प्रकार व्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके पुत्रोत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया। तदनंतर वो बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। मुने वहां नंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल सिंदूर और तांबुल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद दे अपने अपने घर को चली गईं। केवल यशोदा रोहिणी और नंद ये ही उस घर में हर्षपूर्वक रहे।